नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई, निराशा में आशा की उम्मीद का पर्व दीपोत्सव देश के साथ ही रीवा में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन इस बार दीपावली की खुशियां चुनाव में चार चांद लगा रही थी। प्रतिपदा होने के बावजूद भी दर्जन भर से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्र दाखिले के सातवें दिन अपना दल एसके प्रत्याशियों के नाम रहा। अपना दल से अमृतलाल पटेल ने मऊगंज और ममता पटेल ने देवतलाव विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किए। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष ने रीवा दर्शन से खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है उनके मुद्दे। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में। हमारे साथ अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष अमृतलाल जी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी मऊगंज से पर्चा दाखिल किया है। आइए उनसे जानते हैं इस बार उनकी प्राथमिकताएं क्षेत्र के लिए क्या हैं। मैं मऊगंज विधानसभा से अपना दल एस से प्रत्याशी के लिए फॉर्म भर दिया हूँ। मऊगंज में 70 साल से उपेक्षित जनता, ना वहाँ पर रोड की अच्छी है, ना तो सड़कें हैं, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही उधर का पिछड़ा इलाका है और स्वास्थ्य की सुविधाएं एकदम नग्न हैं। 70 साल से लोगों ने केवल वोट का, जनता को वोट का उपयोग किया है, बाकी उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं है। आज भी आप जड़कुट पिपरा ही चले जाएँ, ना तो रोड है, ना तो शिक्षा के लिए, और पानी की सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। तो हम लोगों की सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है कि हम वहाँ लिफ्ट इरीगेशन से बाण सागर का पानी पहुँचवाएँगे, क्योंकि हमारी भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल हम लोगों की दल की संरक्षिका हैं, जो कि अपने आपके मिर्ज़ापुर से सांसद हैं। उन्होंने बाण सागर का पानी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद पहुँचा दिया। ये तो बीच में है, निश्चित है कि उन्होंने जनता के हित के लिए संवैधानिक रीति से वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी की सुविधाएं एवं वहाँ पे शिक्षा पे विशेष जोर दिया है। उन्होंने इस ये तक किया कहा है कि हम वहाँ आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव का समय है तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों की वहाँ जनता से ये निवेदन है कि आप सब लोग हमारे साथ आएँ। वहाँ निश्चित है कि कई स्कूल कॉलेज। आपके क्षेत्र की दो प्रमुख समस्याएं हैं। आपके क्षेत्र में काफ़ी दिनों से मऊगंज को जिला बनाने की मांग की जा रही है। दूसरा, आपके मऊगंज में एक भी किसी तरीके का उद्योग धंधों का अभाव, उसको लेकर आपने क्या सोच रखा? मऊगंज को जिला बनाने के लिए लंबे समय से बातें चल रही है, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है वो जिला ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जिला तो ये कह के लोगों का वोट लेने के लिए जिला कहा जा रहा है। वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य और सबसे बड़ा, इतनी अपार वहाँ सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं जो कि वहाँ उद्योग धंधे बड़े आसानी से लगाए जा सकते हैं, लेकिन केवल जनता को गुमराह करके वहाँ कोई आज तक उद्योग धंधे नहीं ले। निश्चित है कि अगर अपना दल वहाँ से जीतता है तो कई फैक्ट्रियाँ जो हैं वहाँ डिमांड करेगा सरकार से, शासन से करेगा कि भाई यहाँ उद्योग धंधे निश्चित रूप से लगाए जाएँ और लगेंगे। आपने देवतालाब से अभी अभी पर्चा दाखिल किया है, आपने किन क्या प्राथमिकताएं देवतालाब के लिए तय करके रखी हैं? मैं आप देवतालाब विधानसभा की प्रत्याशी के रूप में ममता एस पटेल आप सबके बीच में हूं, और मेरी फर्स्ट जो प्रथम प्राथमिकता है वहाँ की शिक्षा, चाहे वो गरीब बच्चों का, कोई भी समाज का, कोई भी वर्ग का बच्चा है, उसकी शिक्षा निःशुल्क हो, और निःशुल्क नहीं है तो सस्ती शिक्षा जो हमारे शहरों में हमारे अमीर घराने के बच्चों को मिल रही है, वो शिक्षा हम सभी समाज के गरीब बच्चों को देना चाहते हैं। दूसरी, हमारी बहनों की स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, क्योंकि हम
वर्षों से हमारी बहनें सिर्फ घर के कार्यों में बिजी हैं, तो हम अपने क्षेत्र की रेतला विधानसभा में जो हमारी बहनें हैं उनके स्वास्थ्य के लिए मैं वहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल एक बनवाना चाहती हूँ जिससे हमारी गरीब बहनें जो बिल्कुल स्वास्थ्य की वजह से किसी बीमारी की वजह से अपना दम तोड़ देती हैं और उन्हें उचित स्वास्थ्य नहीं मिलता, उचित स्वास्थ्य हेल्प नहीं मिलता है, उसकी ये दो प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता बाढ़ सागर परियोजना का जो हमारा देतला क्षेत्र में जल पहुंचाना, क्योंकि देतला हम विधानसभा इतने रीवा शहर के नज़दीक है लेकिन आज भी जहां मैंने भ्रमण किया है वहां त्राही त्राही मची है। किसानों को ने पहले ही आवाज़ उठाई है कि बहन हमारे पास तो पानी ही नहीं है, हम खेती कैसे करें, और खेती ही उनका जीवन यापन है। क्योंकि ऐसे ऐसे परिवार हैं हमारे बीच जिनके घर में सिर्फ खेती है, उनके यहाँ कोई नौकरी पेशा नहीं है। चौथी प्राथमिकता हमारे देतला में औद्योगिक रूप की नगरी, औद्योगिक नगरी बनाना हमारा संकल्प है कि देतला विधानसभा अपनी संपदाओं से परिपूर्ण है बट हमारी जनता को जो आज तक 70 सालों से उस क्षेत्र में सोचने नहीं दिया गया उससे हम उनको निकालेंगे और कुछ उद्योग की यहाँ पर स्थापना करवाना है। और हमारी इस सिलसिले में बात भी चल रही है, चूँकि मैं 20 सालों से समाज सेवा के कार्यों में जुड़ी हुई थी तो हमारे 15 से 20 राज्यों में हमारा काफ़ी कुछ नेटवर्क है और वो लोगों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि बहन आप वहाँ पे अपना हक और अधिकार लें, पहले इसका हम आपका औद्योगिक क्षेत्र में आपकी हेल्प करेंगे। ये थे हमारे साथ अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष अमृत लाल जी जिन्होंने मऊगंज से पर्चा दाखिल किया है, और हमारे साथ थी ममता जी जिन्होंने देवतालाब से पर्चा दाखिल किया, जिनका साफ तौर से कहना था कि हमारे दोनों क्षेत्र वहाँ पर जमीन संसाधन बहुत मुहैया हैं, अगर सरकार चाहती तो वहाँ उद्योग धंधे लगाकर उसका विकास कर सकती थी, ना सरकार ने किसी तरीके के उद्योग धंधे लगाए, ना पानी की व्यवस्था की। हमारी पहली प्राथमिकताएं यही होंगी, हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग और इस तरीके के वहाँ से काम करें कि वहाँ पर का किसी तरीके से क्षेत्र का विकास हो सके। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। नशा मुक्ति अभियान छेड़कर 2013 के चुनाव में सुर्खियों में आई लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। विधानसभा सीट से शिवेन ने आज नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हम इस समय कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, हमारे साथ भारतीय जनशक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी मौजूद हैं। आप रीवा विधानसभा से पर्चा दाखिल करने आए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं इस बार उनके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे। नमस्कार, मेरे मुद्दे मेन बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए। आज यहाँ जितने बस नेता हैं उनके सबके घर में, आप लोग मीडिया कर्मचारी सब जानते हैं कि 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए हर महीने पहुँच रहा है फैक्ट्रियों से, और यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार मिल रहा तो यूपी के, बिहार के, यहाँ के युवा आके काम कर रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव युवाओं के लिए है और भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए। क्या आपको लगता है यहाँ विकास किसी तरीके का, पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय मंत्री विधायक हैं, आपको नहीं लगता कि यहाँ विकास हुआ है? विकास देखिए, विकास रोड का और नाली बन जाना और फ्लाईओवर बन जाना, ये विकास नहीं होता। अगर भूखे को रोटी नहीं मिलेगी तो हमारा विकास नहीं है। आज अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब होता जा रहा, और भाजपा सिर्फ जात की राजनीति करती है। अगर रीवा की जनता आपको समर्थन देती है तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? पहली प्राथमिकताएं मेरी होंगी युवाओं को रोज़गार दिलवाना, यहाँ नई नई योजनाओं को लाना और उनको रोज़गार दिलवाना, और सबसे पहले नशा मुक्त करना, यहाँ से शराब की दुकानें बंद करवाना जो लीगल हैं और जो अनलीगल हैं उनको भी। हमने आज 5 साल के अंतराल में 314 जगह अवैध शराब पकड़ी है, जिसमें हमारा प्रशासन नहीं मदद करता था। यहाँ के SP साहब संजय सिंह थे, आकाश जिंदल थे, इन लोगों से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता था। हम लोग स्वयं अवैध शराब पकड़ते थे, अपराधियों से झगड़ा मोल लेते थे, कई केस लगे हैं हमारे संगठन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। इसीलिए नशा मुक्त करने के लिए मेरा मेन मोटिव रहेगा और बेरोजगारों को रोज़गार दिलाने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जन लोक शक्ति पार्टी के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी, जिनका साफ तौर से कहना था उनकी पहली प्राथमिकता नशा मुक्ति होगी, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती तो सबसे पहले वो शराबबंदी करेंगे। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। बनगवा विधानसभा सीट से जीत का ताज पहन चुकी शीला और कांग्रेस प्रत्याशी बबीता साकेत ने भी आज नामांकन दाखिल किया। आइए जानते हैं इनके क्या है मुद्दे, किन मुद्दों के साथ
बसपा मैदान में है। खास बातचीत की हमारे चीफ एडिटर जावेद अंसारी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हम इस समय रीवा के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के दो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। मनगवा से शीला त्यागी जी हैं, वहीं त्योथर विधानसभा से गीता माझी जी हैं। आइए बात करते हैं उनकी क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास जितने मुद्दे तो शायद किसी के पास हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी देश का तीसरे नंबर का दल है और जिनका जिनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही, उनको आज तक जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उन्होंने वो सुविधाएं जो वादे किए चुनावी वो आज तक पूरे नहीं किए। इसलिए हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, बिजली पानी, अन्य अत्याचार, बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी, सड़क, बिजली, सब बहुत सारे मुद्दे। आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आती तो इस बार आप कैसे अपने जो भी आपके वादे होंगे पूरा करेंगे? एक विधायक होने के नाते मैंने अभी भी वादे पूरे किए हैं, इतना बड़े पैमाने पे तो नहीं हो पाता क्योंकि हमारी सरकार नहीं होती है और सरकार जिसकी होती है वो खजाने का मालिक होता है तो विकास कार्य अच्छी तरह से हो पाता है। फिर भी अगर नहीं आती तो सरकार से लड़ेंगे, एड़ी चोटी की ताकत लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पहली बात तो हमारी सरकार बन रही है, सरकार न बनने का कोई औचित्य ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हमारी सरकार बनेगी। इस बार आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी 100%। तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में कौन सा काम कराएंगे? पेयजल की समस्या, बिजली पानी की समस्या। आप जी? हमारे यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली पानी, रोड और स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आवारा पशु सबसे मेन मुद्दा है, आवारा पशु हमारे त्योथर विधानसभा क्षेत्र में। आपके यहाँ दो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनसे किस तरीके से, किस रणनीति के तहत उनसे चुनाव लड़ेंगे? रणनीति किस में नहीं, मैं जनता जनार्दन के भरोसे के साथ मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि अभी तक वर्तमान में बीजेपी की सरकार रही है। वर्तमान में अभी उस बीजेपी के माननीय विधायक जी भी हैं, लेकिन ऐसा कोई काम हुआ नहीं है, तो जनता उनसे परेशान हो चुकी है। चार बार विधायक रहे हैं लेकिन आज भी कोई काम नहीं हुआ है, तो जनता जनार्दन के विश्वास के साथ मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ, उतरी हूँ और शायद मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। पिछली बार आप बहुत कम वोटों से, 275 वोटों से चुनाव जीती थी, इस बार आपको क्या लग रहा है आपके जीत का प्रतिशत क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे 40,000 के लगभग वोट मिले हैं, वो वोट कम नहीं है। आज तक बहुजन समाज पार्टी में किसी भी सीट में 40,000 के लगभग वोट नहीं मिला है मुझे। वोट में 275 की जीत नहीं है, 40,000 की मेरी गिनती है और आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर जाऊँ। आप अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानती हैं? किसी को नहीं। आप? मैं भी किसी को नहीं, सब बाखोबर है। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के दो प्रत्याशी, जिनका साफ तौर से कहना था इस बार उनकी सरकार बनने जा रही, उनका क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में किसी से मुकाबला नहीं, वो आसानी से अपना अपना चुनाव जीत लेंगी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। विधानसभा सीट रीवा काफी रोचक होती जा रही है। यहाँ बसपा के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर मैदान में कूद पड़े हैं। बसपा के सबसे पहले यहां पर मधुमास सोनी ने पर्चा दाखिल किया था। इसके बाद बागी प्रत्याशी रंजन गुप्ता ने और अब कासिम खान भी मैदान में हैं। इतना ही नहीं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे के गुप्ता ने भी आज स्वतंत्र रूप से नामांकन दाखिल करने का मन बना लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ पर हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के रीवा के प्रत्याशी कासिम खान जी। आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर, उनके क्या है इस बार के वादे, किस बात को लेकर वो चुनाव प्रचार में जाने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से कार्यकर्ता था और 1998 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था
और बहुजन समाज पार्टी के में इसके बाद मेरे को टिकट नहीं मिली, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में बराबर मैं एक कार्यकर्ता के नाते लगातार कार्य करता रहा। और उस हमारे कार्य को देखते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और बहुजन समाज पार्टी से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। आज से ठीक 20 साल पहले भी आप बहुजन समाज पार्टी के रीवा के प्रत्याशी हुआ करते थे, उसके बाद आज आपको फिर से टिकट मिला है। इस बार आपकी चुनाव में क्या प्राथमिकताएं होंगी, किन किन वादों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? मेरे यहाँ पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो अपने यहाँ भ्रष्टाचार और हमारे रीवा विधानसभा में जो रीवा में लूटपाट मचा हुआ है और रीवा के समस्त जमीनों को विक्रय किया गया है और भ्रष्टाचार किया गया है, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यदि मैं विधायक बनता हूँ तो रोकने के लिए मैं काफ़ी प्रयास करूँगा। और एक भ्रष्टाचारी जो है तो वो तो उनका तो पेट भर गया, दूसरा भ्रष्टाचारी कांग्रेस का आके और उसका खाली पेट है और वो अपना पेट भरने के लिए जो है तो वो लगा हुआ है। तो ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं और ये भ्रष्टाचार करेंगे और ये पूरे रीवा को बेच खाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी और हमारे समस्त लोग यदि मेरे को विधायक बनाते हैं तो ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगी और रीवा में विकास होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा। पिछले 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं, क्या आपको नहीं लगता 15 साल में रीवा में विकास कार्य हुए हैं? रीवा में विकास कार्य नहीं हुए, रीवा में विनाश कार्य हुए हैं। विकास तो हुआ नहीं, विनाश हुआ है। आप देखिए समदरिया को देखिए, पूरे रीवा को बेच दिया गया है और पूरा रीवा बेचने के बाद और एक वही भी भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व विधायक हुआ करता था उसकी पत्नी थी, इस बार वो रीवा से कांग्रेस के प्रत्याशी हुए हैं तो सिमरिया को तो उन्हें निपटा दिया जाए कि अब रीवा को निपटाने आए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर किसी तरीके के विकास कार्य नहीं हुए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर राम सखा जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं, वो क्या है इस बार, क्या है आपके विकास के दावे? इस बार विकास के दावे ये हैं कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी, 100% बनेगी। इस बार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनक्रमेंसी है, बीजेपी तो जाने वाली है, कांग्रेस का कोई नामो निशान है। अब क्योंकि कांग्रेस का जो पहले काम किया था कारनामा सबको पता है, पूरे प्रदेश में पड़ा है और बीजेपी का कारनामा आपके सामने है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के चाहे जिस तरह से सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी नहीं। और जब हमारी सरकार बनेगी तो गंगुल चूल जो भी समस्याएँ हैं गरीब के अंतिम छोर के व्यक्ति तक, वहाँ तक हम विकास करेंगे और सारे लोगों को ध्यान रखेंगे। हर समाज के सर्व समाज की बात को देख करके हम कार्य योजना बनाएंगे और उस पर विकास करेंगे। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता, रीवा से चुनाव लड़ने वाले कासिम खान जी और प्रदेश के नेता डॉक्टर राम सखा जी, जिनका साफ तौर से कहना था रीवा में पिछले 15 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले वो विकास कार्य करेंगे, समाज के निचले तबके के लिए काम करेंगे। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। कासिम खान के बारे में अगर बताएं तो 1998 में कासिम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लगभग 20 वर्ष बाद फिर उन्होंने रीवा विधानसभा से ही बसपा प्रत्याशी होने का दावा करते हुए आज नामांकन पत्र दाखिल किया। कासिम खान की दलील है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे, इसी के नाते उन्हें टिकट दी गई है। बसपा में बगावत का मामला यहीं शांत नहीं होता। के गुप्ता जो कि पूर्व विधानसभा में रीवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे और उनका बेहतर प्रदर्शन भी माना जाता है, उन्होंने क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र शुक्ल को काफ़ी टक्कर दी थी। बावजूद इसके के गुप्ता का टिकट काट दिया गया और कासिम खान को टिकट देने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में के गुप्ता ने बगावत करते हुए बहुजन समाज पार्टी का हाथ छोड़कर उन्होंने निर्दलीय स्वतंत्र रूप में पर्चा दाखिल करने का मन बना लिया है। के गुप्ता से हमारे न्यूज एडिटर जावेद अंसारी ने खास बातचीत की, जिसमें के गुप्ता ने यह दलील दी कि उनका शोषण हुआ, उनके साथ छलावा किया गया, यहां पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने मिलकर उनकी टिकट कटवा दी है। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हम इस समय रीवा के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं। इस समय हम खड़े हैं विधानसभा 74 रीवा के सामने। यहाँ पर पूर्व में पिछले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के गुप्ता जी, जिन्हें इस बार एन वक्त पर जिनकी टिकट काट दी गई है, उन्होंने अभी अभी पर्चा खरीदा है, कल वह अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने
यह कदम क्यों उठाया? रीवा विधानसभा 74 से पिछले बार बीएसपी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार उतारा था और रीवा की जनता के आशीर्वाद इतना प्राप्त हुआ कि अपन सेकंड नंबर रीवा में थे और इस बार भी आज हम कलेक्टेड आकर पर्चा खरीदे हुए हैं और पर्चा कल दिनांक इसको मतलब दाखिला करेंगे और उम्मीद है कि पार्टी मुझे अभी कल सिंबल देगी और अगर नहीं देती है तो फिर 12 तारीख का भी ऑप्शन है, उस पर अपन विचार करेंगे क्या करेगा। पर पूरा कार्यकर्ताओं पे और रीवा की जनता को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी भी टिकट सिंबल कल मुझे देंगी। पिछले चुनाव में आपने दूसरे नंबर पर रीवा में थे, इस बार ऐसा कौन सी वजह हुई, किन वजह से आपका टिकट काटा गया? क्या है, पिछले बार का जो चुनाव हुआ आम जनता ने मुझे इतना वोट दिया और वोट दे के इस लायक बना दिया कि आज मेरे पीछे यहाँ की सरकार और यहाँ के अच्छे कद्दरवार नेता लोग ने मेरी टिकट कटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी कि के गुप्ता अगर आएगा तो हो सकता है कि हमारी सरकार यहाँ से न बने और विधायक न जीते, पूरी ताकत लगा दी है। वो कद्दावार नेता किस पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के हैं या विरोधी ग्रुप के हैं? ज़्यादातर तो कटवाने वाले में दोनों जो वर्तमान में आपके दल हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो दोनों को डर था कि के गुप्ता जैसा व्यक्ति न आए जो ज़मीनी लड़ाई लड़ता है और ज़मीन से उठा हुआ है, अगर ये आ जाएगा तो दोनों की लड़ाई में के गुप्ता इस बार जीत जाएगा, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया कि के गुप्ता को टिकट न मिले। निर्दलीय रूप से अगर आप चुनाव में जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? निर्दलीय रूप में अगर हम जाते हैं तो निश्चित तौर पे अपन को जो पिछला रिकॉर्ड है, जनता ने मुझे देखा है 5 साल इस बीच में उनके सुख दुख में अपन खड़े थे, सही की लड़ाई लड़ने के लिए अपन बचपन से मेरी सोच रहती है, अगर लड़ाई लड़ने जाते हैं तो रीवा में जो अपराध बढ़ रहे हैं और यहाँ पर निरंतर गोलियाँ चलती हैं खुल के, 147 व्यक्ति हैं रीवा में, ऐसे संगीन अपराध होते हैं जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, ये सारी लड़ाई शिक्षा के क्षेत्र में, आज सरकारी स्कूलें सब बंद हो चुकी हैं उन पर लड़ाई लड़ेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में रीवा बहुत पीछे है, जो भी अगर मरीज यहाँ पर आता है एडमिट होता है उसको रेफर कर दिया जाए, ये जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये नेता ना भी कांग्रेस ना बीजेपी लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम कांग्रेस के लिए हम बीजेपी के लिए, वो एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये थे हमारे साथ के गुप्ता जी। मैं आपको बता दूं, रीवा में विधानसभा 74 में बहुजन समाज पार्टी के 3 लोगों ने अभी तक अपना पर्चा दाखिल किया, सबसे पहले मधुमास सोनी, फिर यहाँ पर थे के गुप्ता जी और अब कहा जा रहा है कासिम खान। अब देखना ये है कि रीवा से बहुजन समाज पार्टी का वह कौन सा प्रत्याशी होता है जो बहुजन समाज के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। रीवा दर्शन से के लिए मैं जावेद अंसारी। चुनाव मैदान में कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं, इन्हीं में एक है गुड़ विधानसभा सीट से जीतेंद्र। इसके पहले पत्रकारिता जगत से जुड़े थे और अचानक राजनीति में कूद कर वो अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। जीतेंद्र की दलील है कि क्षेत्र में गुड़ क्षेत्र की जनता का उनको व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं समर समाज पार्टी से गुड़ के प्रत्याशी जीतेंद्र जी, आइए उनसे बात करते हैं इस बार उनकी क्या प्राथमिकताएं, वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। मैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र से समर समाज पार्टी के प्रत्याशी हूँ, इसके पूर्व में किसी दूसरे दल में था, कांग्रेस में मैं 23 सितंबर से मैं कष्टहरनाथ मंदिर गुड़ से शुरू किया था स्वाभिमान यात्रा। जिस गांव में जाता था लोग केवल एक प्रश्न करते थे, मैं लोगों को कहता भाई संगठित होइए, हम एससी एसटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं और जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जिस गांव में जाता था लोग पूछते थे आप हैं कांग्रेस में, बात कर रहे हैं एक्ट की, भाई कांग्रेस तो इसका समर्थन कर रही है, लोगों को जवाब देना मुश्किल था जिस गांव में भी जाता था। और अंत में हमने कांग्रेस छोड़ के और समर समाज पार्टी ज्वाइन की। तो इस बार एट्रोसिटी एक्ट का आप विरोध कर रहे हैं, आपको किस तरीके का वहां पर गांव में जन समर्थन मिल रहा है? जबरदस्त माहौल है, जहां भी जा रहा हूं लोग केवल एक ही बात कर रहे हैं कि हमको कांग्रेस और भाजपा को वोट नहीं देना है, ये दोनों मिलकर ये एक्ट लागू किए हैं। और दूसरा मुद्दा विकास का, गुड़ क्षेत्र के गाँव में जो हालात है शायद मध्य प्रदेश में किसी गांव में न हो, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, वहाँ के जितने विधायक आज तक चुने गए हैं
जनता से कोई मतलब नहीं रहा, उनका विकास से कोई मतलब नहीं रहा। गांव में समस्याओं की भरमार है। जिस गांव में जाता हूं, छोटी छोटी समस्याओं से लोग परेशान हैं। आपका मुकाबला किससे? मैं तो मानता हूं हमारा किसी से मुकाबला नहीं। मैं चुनाव जीत रहा हूं, ये हवा में उड़ जाएंगे। खासकर भाजपा और कांग्रेस, इनका तो कहीं पता नहीं रहेगा चुनाव में, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा इनको। ये स्थिति देखिएगा। ये थे जितेंद्र जी, समर समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपका कहना है कि हमें जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, उस तरीके से निश्चित रूप से यहाँ की जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, उनका इस बार कहीं पता नहीं रहेगा। रीवा दर्शन के लिए मैं जागरण सा हूँ। शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे कई दिग्गज नेताओं ने आज पर्चा दाखिल नहीं किया, लेकिन अगले दिन वो सभी प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। ऐसे में आने वाले दिन काफी रोचक होने वाले हैं, क्योंकि बसपा के, कांग्रेस के, साथ ही समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता इन पार्टियों से अपने पर्चे दाखिल करेंगे। ऐसे में क्या ये लगाए जा रहे हैं कि कई बगावती चेहरे भी आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगे। मुकाबला रोचक होगा, देखने लायक होगा और यह चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। विधानसभा से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।